एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। तो आज है संडे, फिर भी हम लोग को साइट पे जाना ही होता है। वी विल हैव टू गो ऑन साइट बिकॉज वी आर अ सिविल इंजीनियर, सो देयर इज नो हॉलीडे फॉर सिविल इंजीनियर। सो हेलो एवरीवन, ऑल सिविल इंजीनियर, आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाली है। ये है हमारा टोटल स्टेशन। सो गाइस, अभी हम लोग आए हैं होटल में पराठा खाने अमित के साथ। भूख लग गया था, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था। यहाँ का पराठा बहुत फेमस है, इसलिए समीर भाई ने बोला चले हम लोग साथ में चलते हैं वहाँ खाने। तो पराठा भाजी आ गया है। हेलो एवरीवन, ऑल सिविल इंजीनियर, आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाली है। ये है हमारा टोटल स्टेशन। किसका है? शोकिया का है। और ये कौन सी सीरीज है? IX सीरीज। देखिए, सो इसके बारे में इस वीडियो में सिर्फ हम देखने वाले हैं कि एक एक ईच एंड एवरी पार्ट्स के बारे में जानेंगे, किसका क्या फीचर्स है, क्या फंक्शन है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, कहाँ पे यूज करेंगे, और सारा ये सब जो है प्रैक्टिकल हम लोग साइट पे जाकर देखेंगे, और ये सारा बताएगा ऋषि। ओके, सो लेट्स गो। ठीक है जी, नमस्कार। तो आज हम जानेंगे अपने इस टोटल स्टेशन के बेसिक पार्ट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं हम बॉटम से। ये जो आप दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं ट्राई ब्राज। ये जो आप प्लेट दिखती है, जो प्लेट आपको मिलेगी, इसको बोलते हैं ट्राई ब्राज। ये है हमारे ट्राई ब्राज। वो ये जो है वो हमारे एडजस्टिंग स्क्रूज है, इसको फुटिंग स्क्रूज भी बोलते हैं हम लोग। तो इन तीनों का टेम्पररी एडजस्टमेंट कर दिया। दिस वन इज द फुट स्क्रू ना? हाँ, तो ऑल दिस थ्री आर फुटिंग स्क्रूज। सो विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रूज वी आर गोइंग टू लेवल आवर हॉरिजॉन्टली लेवल आवर मशीन। तो इसके बाद इन तीनों का टेम्पररी एडजस्टमेंट साइमल्टेनियसली करके हमें ये जो बबल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है? ये इसका लॉक है, ये ड्राइवर जो मशीन का लॉक है। ये पूरा मशीन लॉक होता है कैसे? ये पूरा इसके लॉक होता है। कौन सा? यहाँ से निकलता है। अच्छा अच्छा, ये पूरा अलग हो जाता है, ये लॉक करके रखता है, ये दोनों को ज्वाइंट करके, है ना? ओके ओके। तो ये जो आपका बबल है इसको टेम्पररी एडजस्टमेंट करके इसको बबल्स को सेंटर पे लाते हैं ना, सेंटर। जो पहले तो हमें ये ख्याल रखना है कि ये जो स्क्रू है ये सेंटर में होना चाहिए, ज़्यादा नीचे भी नहीं, ज़्यादा ऊपर भी नहीं। okay. उसके बाद ये तो है हमारा लेवलिंग बबल। ये है हमारा स्क्रीन। यहाँ पे बटन्स और फंक्शन जिसकी मदद से हम लोग वेरियस फंक्शन करेंगे ट्राई। इधर आप दिख रहे हैं, यहाँ पे है हमारा पावर बटन शोकिया का। ये शोकिया की IX सीरीज है। कौन सी सीरीज है? IX सीरीज है। okay. ये जो है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रू है, हॉरिजॉन्टल मोमेंट स्क्रू। वो इसकी मदद से हम एक अगर थोड़ी सी फाइन एडजस्टमेंट करते हैं हॉरिजॉन्टल। ये जो हमारा यहाँ पे क्रॉस हेयर होता है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव में, ये ऑब्जेक्ट क्लास में जो हमें एडजस्टमेंट करना होता है, फोकस करना, ऑब्जेक्ट लेंस भी होता है ना, लेंस में। ओके, ये है हमारा ऑब्जेक्ट लेंस और ये है हमारा आईपीस। मतलब इधर से हम लोग देखेंगे तो इसकी मोमेंट से हम अपने आई साइट के हिसाब से क्रॉस हेयर क्लियर विजिबल होगा। इसके लिए हमें इसका मोमेंट जरूरी होता है। और ये स्क्रू है, ये ऑब्जेक्ट फोकसिंग स्क्रू है, ऑब्जेक्टिव। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट लगाते हो, प्रिज्म लगाते हैं तो उसको फोकस अच्छे, उसके लिए फोकस करने के लिए ये स्क्रू, और आई पीस को फोकस करने के लिए ये आई पीस। मतलब दोनों का काम है, जो भी प्रिज्म लगाएंगे जहाँ पे तो उसको क्लैरिटी देगा, मतलब विजिबल होगा प्रॉपर विजिबल। प्रिज्म का विजिबिलिटी के लिए ये फोकसिंग स्क्रू, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फोकसिंग स्क्रू, बड़े वाला। और ये जो है ये आई पीस का, जो आई पीस से आपको लेंस पे लगा हुआ क्रॉस हेयर फोकस हो जाएगा। इसके बाद बैटरी डाल देता हूँ इसमें। ये सारे बटन हैं जिसकी मदद से हम लोग फंक्शन कर पाएंगे। ये सुभाष जी, जो भी फंक्शन है, फंक्शन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। सुभाष जी, इसके बारे में जानते हैं कि पूरा डिटेल क्या क्या है। ओके, ठीक है। ये जो है, ये है हमारा, यहाँ पे है बैटरी इंसर्टिंग की जगह। ये हम यहाँ पे बैटरी जाएगी, यहाँ पे ये बैटरी चार्जेबल होगा। हाँ, ये बैटरी चार्ज करके रखनी पड़ती है, एक बैटरी कम से कम पूरे दिन पर तो चल जाती है। यहाँ पे है हमारा USB पेन ड्राइव इंसर्टर। अच्छा। जो कुछ भी आपका काम होगा, मतलब अगर आपके पास एक्सेल का कोऑर्डिनेट है, एक्सेल फॉर्मेट में, तो आप पेन ड्राइव में इंपोर्ट कर सकते, इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे इंपोर्ट होता है क्या? इंपोर्ट होता है। और जो भी अगर हम कोऑर्डिनेट निकाल भी लेते हैं, टोपो सर्वे करके कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे स्टोर कर लिए, तो कोऑर्डिनेट हम पेन ड्राइव में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से।
ये हो गया हमारा लेंस, ये है हमारा लेंस जो हॉरिजॉन्टली ये ऐसा हॉरिजॉन्टली वर्टिकली मूव होता है। अच्छा, इससे सिर्फ वर्टिकल मूवमेंट होता है और ये पूरा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। और तो ये क्यों यूज करते हैं सोकिया टीएस? टीएस जो है अभी प्रीवियसली क्या होता था कि थियोडोलाइट यूज करते थे सर्वे के लिए, हम लोग थियोडोलाइट से भी वन सेकंड वर्टिकल मूवमेंट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर पाते थे। तो नाउ ये जो है ये आता है बेसिकली टीएस जो है ईडीएम में आता है, कम्स अंदर द ईडीएम। ईडीएम मींस इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। तो इससे जो हम रेज बाहर निकलती है रेड लाइट की, अल्ट्रावायलेट लाइट जो निकलती है, तो इससे वेवलेंथ तो हमें मालूम होता है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि इसका वेवलेंथ हमको मालूम रहता है टीएस में, जो प्रिज्म में जाके रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है तो ये टाइम नोट कर लेता है, और टाइम नोट करने के बाद वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के हिसाब से डिस्टेंस निकाल लेता है ऑटोमेटिक। अच्छा अच्छा। तो थियोडोलाइट में ऐसा नहीं होता, थियोडोलाइट में डिस्टेंस हमको अलग से टेप से मेजर करना पड़ेगा या चेनिंग से मेजर करना पड़ेगा, तो इसमें एक साथ ही सब हो जाता है। तो थियोडोलाइट में सिर्फ डिस्टेंस मेजर होता है, एंगल नहीं होता है ना? एंगल भी होता है, वर्टिकल होता है। तो वर्टिकल जो होता है वर्टिकल एलिवेशन के हिसाब से हम उसका जो फॉर्मूला है कि बेस पॉइंट का एक मेजरमेंट ले लिया, ऊपर के पॉइंट का एक मेजरमेंट ले लिया, तो जो एंगल बनेगा वर्टिकल रीडिंग और आपके जो एंगल बनेगा बीच में से उसमें वो सिग्मा का साइन ऑफ द एंगल इस्तेमाल करेंगे थ्योरम से, जो पाइथागोरस थ्योरम होगा, जो भी कंडीशन वहाँ पे होगा उस पर वो इस्तेमाल करके वो कैलकुलेशन के हिसाब से डिस्टेंस करते हैं, और जो चेनिंग पे लेंगे उसके हिसाब से वो क्रॉस चेक कर पाएंगे। ठीक, तो यही है, तो बेसिक यही है। और फंक्शन के बारे में तो अगली वीडियो में देखिए। ये क्या लेंस है? क्या ये है? लेंस नहीं, ये है सेंटरिंग स्क्रू, ये है सेंटरिंग लेंस जो जहाँ पे हम सेट करने वाले हैं। समझिए आपको एक स्पेशल पर्टिकुलर बेंचमार्क। अच्छा, मशीन का है तो सेंटर पॉइंट इसे दिखता है जो ये सेंटर प्लम यहाँ पे लगा कर नीचे जहाँ पे वो पॉइंट नीचे का बॉटम पॉइंट दिखता है ना, बॉटम पॉइंट देखेगा। तो हमें मशीन जो है हमें एग्जैक्टली वही बेंचमार्क या टीपीएम पे ही सेट करना होता है। नेल पॉइंट वगैरह जो होता है एज ए टीपीएम हम इस्तेमाल करते हैं, उसके सेंटर पे ही हमको मशीन सेट करना होता है। उसके बारे में अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, इसके बारे में पूरा फीचर्स के बारे में जानेंगे और प्रैक्टिकल भी देखेंगे साइट पे जाकर कैसे पॉइंट उठाते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे मार्किंग करते हैं, पॉइंट मार्किंग कैसे करते हैं, है ना।